चार दिवसीय चैती छठ महापर्व के चौथे दिन आज सुबह प्रातःकालीन अर्घ्यदान के साथ ही चार दिवसीय छठ का समापन हो गया। आज अहले सुबह से ही वर्ती छठ घाट पर आ पहुंचे थे। उदयीमान सूर्य को अर्घ्यदान के साथ ही आज छठ महापर्व अनुष्ठान का समापन हो सका, जिसके बाद से भक्तों के बीच प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चलने लगा। छठ महापर्व को लेकर विभिन्न घाटों पर आज अर्घ्यदान किए गए। इससे पहले कल जहां सभी छठ घाटों पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्यदान किया गया था, वहीं आज अहले सुबह सूर्य भगवान के दर्शन के साथ ही उन्हें नमन किया गया, उन्हें याद किया गया, उनसे प्रार्थना की गई और उन्हें अर्घ्यदान किया गया। प्रातःकालीन सूर्य को अर्घ्यदान के साथ ही चैती छठ महापर्व का आज पूर्णाहुति हुई। कोरोना महामारी को लेकर भी लोगों में खौफ का माहौल है और इस खौफ के बावजूद आज छठ व्रतियों का उत्साह चरम पर दिखा। छठ व्रतियों ने कोरोना महामारी से निजात दिलाने की प्रार्थना भगवान सूर्यदेव से की। व्रतियों ने इस दौरान ए टू जेड न्यूज लैब से बातचीत की और बताया कि अब की बार कोरोना महामारी जैसे संकट से और इस बिगड़ते हालात से निपटने की शक्ति देने की मांग उन्होंने की है। उन्होंने मन्नत मांगी है कि संसार इस संकट से जल्द ही मुक्त हो सके। व्रतियों में इस बात का पूर्ण आस्था देखा गया कि छठी मैया की कृपा होगी तो निश्चित रूप से यह संकट भी टल जाएगी। बहरहाल विभिन्न छठ घाटों से खबर मिल रही है कि आज प्रातःकालीन अर्घ्यदान किए गए। इस दौरान भक्तों में गजब का उत्साह का माहौल देखा गया। छठ महापर्व को लेकर बिहार के अलावे गुड़गांव में भी गजब का उत्साह देखा गया। गुड़गांव में भी व्रतियों ने आज प्रातःकालीन सूर्य को नमन किया, उन्हें याद किया, उन्हें अर्घ्यदान किया गया। इधर नेपाल में ए टू जेड न्यूज लाइव के वरीय संवाददाता मिश्रीलाल मधुकर ने भी खबर दी है कि सोमवार को उदयीमान सूर्य को अर्घ्यदान देने को लेकर नेपाल में भी छठ व्रतियों में गजब का उत्साह देखा गया। दिल्ली में आज एक सप्ताह का कर्फ्यू लगा दिया गया, आधी रात से लेकर यह अगले सोमवार तक लागू किया जाएगा। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली से खबर मिल रही है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और बिगड़ते हालात के बीच यह बड़ा फैसला लिया गया है। इस संदर्भ में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज पत्रकारों को भी जानकारी दी है। आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में आज भीषण अग्नि हादसा हुई। तेज पछुआ हवा के बीच यह घटना घटी है। कुढ़नी प्रखंड के रत्नावली पंचायत के वार्ड संख्या 5 में सोमवार को पुनः दोबारा अग्निकांड की घटना हुई। इससे पहले भी यहां पिछले दिनों अग्निकांड की घटना हुई थी। आज के हादसे में 2 घर जलकर राख हो गए हैं। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। अंचल अधिकारी रंभू ठाकुर एवं मनियारी थाने के प्रभारी को आग लगने की जानकारी मिली, जिसके बाद अधिकारियों की टीम भी मौके पर पहुंची और इस घटना में हुए क्षति का आकलन भी किया गया। बिहार के पूर्व मंत्री और तारापुर के विधायक मेवालाल चौधरी के निधन के बाद तारापुर अनुमंडल प्रशासन हरकत में आया। संध्या 6 बजे तक हर हाल में दुकानदार अपनी दुकानों को बंद करें, इस संदर्भ में सख्ती बढ़ा दी गई है। मंगलवार से सब्जी बाजार RS कॉलेज के खेल मैदान में, जबकि हल्के बाजार गाजीपुर मैदान में लगाने का निर्देश जारी किया गया है। प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। उधर भागलपुर में नगर निगम के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश कर दिया गया। भागलपुर नगर निगम के सभागार में लगभग 18 लाख मुनाफे का बजट महापौर सीमा शाह के नेतृत्व में आज सशक्त अस्थायी समिति की बैठक में पेश किया गया। इस दौरान नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र यादव, उप महापौर राजेश वर्मा सहित सशक्त अस्थायी समिति के सभी सदस्य और नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी खासतौर से मौजूद थे। सरकारी संस्थान में एक प्रक्रिया होती है जो एक वर्ष में, जो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक समाप्त होती है, इस बीच में क्या कितनी संभावित आय और कितना व्यय होता है, इसी का आकलन किया जाता है, जिसे बजट के तौर पर हम लोग रखते हैं। यहाँ कुछ कारणों से थोड़ा विलम्ब हो गया था, लेकिन ये बजट पास कराना अनिवार्य था। आज वो सशक्त स्थायी समिति द्वारा नगर निगम की जो इस वित्तीय वर्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष की जो है वो पास किया गया है, जो जिसमें 4 अरब कुछ रुपये आय में है और 4 अरब 16 करोड़ रुपये व्यय में है। देखिए, आज बजट को पास करने के लिए स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से जो है सभी विषयों पर चर्चा कर बजट को पास किया गया। और
इसमें देखा गया कि लगभग 18,02,000 के संभावित इससे जो है बचत से ये बजट पास हुआ। टोटल आय जो है वो 416,32,163 और व्यय जो है 416,14,00,000, मतलब 18,00,000 के आसपास जो है बजट के साथ आज जो है बजट को पास किया गया। सभी विषयों पर चर्चा की गई। इस बार जो हम लोगों ने इसमें जोड़ा उसमें आपदा के मद पर लगभग जो है 51,00,000 रुपये जोड़ा गया, जो कि पहले 3,00,000-4,00,000 रुपये के आसपास था। जिस तरीके से कोरोना काल है और हर वार्ड में यदि किसी भी तरह की आपातकाल की स्थिति आती है तो वार्ड के लोगों को भी मदद हम लोग कर सकें, पार्षद अपने पास से कर सकें, इसलिए हर वार्ड के लिए 1,00,000 रुपये के हिसाब से हम लोगों ने आपदा के मद में भी 50,00,000 के आसपास जोड़ा है। जो खाली संपत्ति है उससे हम लोग किस तरीके से रेंट पे लगा के जो है उससे पैसा अर्जित कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग आय को अपना बढ़ा सकते हैं, उन सभी विषयों पर चर्चा। उधर बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने को लेकर विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने बयान दिया है। कोरोना से जंग लड़ने का जो माननीय मुख्यमंत्री ने कल डिसीजन लिया है बड़ा हास्यास्पद है। रात में कर्फ्यू, रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। अरे ये तो बड़े बॉम्बे दिल्ली में जहां नाइट लाइफ होता है वहां लोग ना निकले उसके लिए कर्फ्यू लगाया जाता है। बिहार में तो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ऐसे ही घर से लोग नहीं निकलते हैं। होना यह चाहिए था इस निर्णय में आप हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था करिए, बेड की व्यवस्था करिए, जैसे कि हम लोग और भी जगह क्वारंटाइन बनाने के लिए जगह स्थापित कीजिए। और आप दिन में अगर मान लीजिए कि 7 दिन में 2 दिन आप कर्फ्यू लगाना है, सैटरडे संडे जिस दिन बंदी है और उस दिन पूरे शहर को सैनिटाइज की एक बात बनती है, लेकिन ये रात में कर्फ्यू बनाने से कोरोना महामारी से लोग नहीं बचेंगे, यह बिल्कुल आंख में धूल झोंकने के बराबर। इस वक्त बंद्रा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज बंद्रा में 5 कोरोना पॉजिटिव फिर से पाए गए हैं। इस तरीके से यहां बंद्रा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1 दर्जन के आंकड़े को क्रॉस कर गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह सामने आ रही है। बंद्रा पीएससी के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर नौशाद अहमद ने भी इस मामले की पुष्टि की है। उन्होंने इस वक्त बताया है कि आज के कैंप में 56 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया जिसमें 5 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक यह मरीज रामपुर दयाल और पटसारा सखौरा आदि के बताए जा रहे हैं। खबर यह भी मिल रही है कि आज के पॉजिटिव पाए गए मरीज में एक पूर्व भाजपाई कार्यकर्ता की पत्नी भी शामिल है। उधर आज बंद्रा पीएचसी से संचालित कई सेंटर पर आज कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी किया गया जिसमें कुल 130 लोगों को कोरोना वैक्सीन दिए गए। इस तरीके से लगातार बंद्रा में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद से इलाके के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। बताया यह भी जा रहा है कि जो प्रवासी लोग इलाके में आ रहे हैं उनको लेकर भी आसपास के लोगों में भय का माहौल है और इन तमाम जानकारी के बावजूद स्थानीय प्रशासन के द्वारा इलाके में वाहनों के परिचालन पर और बिना मास्क के वाहन चलाने वाले लोगों पर सख्ती नहीं बढ़ाए जाने से भी लोगों में नाराजगी और दहशत है। उधर मोतिहारी से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। सरपंच पति की हत्या कांड के विरोध में आज सब रखकर कचहरी चौक को जाम कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि रविवार को शहर के पौस इलाका हरदिया पंचायत के मजूराहा में बाइक से अपने घर लौट रहे सरपंच पति को अपराध कर्मियों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी थी। नतीजा यह हुआ कि उनकी मौके पर मौत हो गई। बेखौफ अपराधी हत्या की इस घटना को डीएसपी सदर आवास के करीब अंजाम देकर भाग निकले। घटना के बाद तड़प रहे सरपंच पति चंद्र प्रकाश पटेल को होमगार्ड डीएसपी आवास पर तैनात होमगार्ड के जवान ने तत्काल ही सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कैसे घटना हुआ है? बोलन जाके जे पतरन संजय सिंह आए थे, हरिंदर सिंह ये ठोकर लागल बा, कहते कहाँ ठोकर लागल बा, तो पतरन जे बोलू ठोकर लागल बा भैया के, हम कहे कहाँ लागल बा, तो कहतरन जे सदर में जाके देखा था नहीं हमने के, तो फिर कहता रहा, फिर जाके पता नहीं बताए ना कहाँ लागल बैठो कर कहाँ रखल बा, तो कहता रहा जो सदर में रख लेवे तो जी तो गिर रही तो हमने के देखी तो अपने के गोली लागल बा, और लोग कहता ठोकर लागल बा, 2 आदमी गिर लो का बुझा तो घर का कारण का बा, कारण बा अपने के गोली मार लेवे। मोतिहारी से यह दूसरी खबर सामने आ रही है। मृत दारोगा के शव को पुलिस लाइन में आज सलामी दी गई है। एसपी ने भी इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि निवेदित की। गोपालगंज जिले के रहने वाले थे मृत दारोगा टीएन राय।
ए टू जेड न्यूज लाइव से जुड़े हुए वरीय संवाददाता राजन दत्त द्विवेदी ने मोतिहारी से खबर दी है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक दारोगा त्रिलोकी नाथ राय की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस लाइन में और पुलिस विभाग के महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। इस बीच सब को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद पुलिस लाइन मैदान में लाया गया। मृत दारोगा त्रिभुवन राय के शव को शोक बिगुल के साथ अंतिम विदाई दी गई, अंतिम सलामी उन्हें दी गई। यहाँ मौजूद एसपी नवीन चंद्र झा ने सब पर पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें श्रद्धा निवेदित की। त्रिलोकीनाथ राय जो मुफस्सिल थाना में पदस्थापित थे, उनकी मृत्यु हो गई। आज सुबह हम लोगों को पता चला, कल रात्रि में किसी समय उनकी मृत्यु हुई है और अभी यहाँ पे हम लोग उन्हीं को श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं पुलिस लाइन्स में। मृत्यु के संबंध में अभी स्पष्ट कारणों का पता नहीं है, बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया है और जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और आगे अब इनके मृत शरीर को ससम्मान हम लोग इनके घर पहुँचवाएँगे।